रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के पास कुछ लोगों के द्वारा अफीम की खरीद बिक्री की सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक को मिली, जिसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी की गई। गिरफ्तार हुए व्यक्तियों के पास से 2 मोबाइल, 90,000 रुपए, 1 मोटरसाइकिल, 700 ग्राम अफीम बरामद किए गए हैं और छापेमारी के दौरान एक अपराधी भागने में सफल भी रहा। नामकुम पुलिस के द्वारा उसके छिपे होने के संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। कल दिनांक 25 तारीख को वरीय पुलिस अधीक्षक सर को एक सूचना मिली थी कि नामकुम थाना क्षेत्र में एक अफीम की खरीद बिक्री की जा रही है। इसी सूचना के सत्यापन हेतु एक टीम का गठन किया गया था और पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय प्रथम एवं थाना प्रभारी नामकुम के द्वारा बताए हुए जगह जामचुआ पर छापामारी की गई। तो वहाँ 2 व्यक्ति थे, एक मोटरसाइकिल में खड़े थे, तो उनकी स्थिति थोड़ी संदिग्ध नज़र आई और जब वो पुलिस बल को अपने पास नज़दीक आते देखे तो भाग रहे थे। तो जब उन्हें दौड़ा के पकड़ा गया तो उनके पास एक हैवर सैक था और हैवर सैक में एक के पास एक काले जैसा पदार्थ था जिसे बाद में अफीम पाया गया और उसके पास 35,000 रुपया मिला। दूसरे की तलाशी पे भी उनके पास अफीम पाया गया और उसके पास 55,000 रुपया था। जब दोनों को विधिवत अरेस्ट किया गया और पूछा गया कि अफीम आप कहाँ से लाए और किनको बेचे और ये पैसा कहाँ से लाया गया, तो कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उन्होंने बताया कि वो नज़दीक ही क्षेत्र में इस अफीम को बेच कर आए थे और उससे उनको टोटल 90,000 रुपया मिला था। तो उनके बताए हुए क्षेत्र पे दोबारा हम लोग जब छापामारी किए तो वहाँ से हम लोगों ने शिवम कुमार को अरेस्ट किया और उनका एक भाई है जो अभी फरार है, उसके घर पर छापामारी करने पर 500 ग्राम अफीम प्राप्त हुआ है और प्लस एक डिजिटल वेइंग मशीन जिससे कि इसे साफ प्रतीत होता है कि अफीम को छोटे छोटे टुकड़ों में वेइंग करके बेचा करता था, तो वो भी हम लोगों ने विधिवत जब्त किया गया है। अभी हम लोगों ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है जिसका नाम है शिवम कुमार और एक का नाम है दीपक मुंडा और दूसरे का नाम है शनिचरवर मुंडा। इसके साथ ही साथ हमने उनके एक बाइक को भी जब्त किया है, 2 मोबाइल जब्त किया है और 90,000 रुपये टोटल हमने जब्त किया है और कुल मिलाकर 700 ग्राम अफीम की जब्ती की गई है और हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं अरुण कुमार को पकड़ने के लिए। तो इस तरह से रांची पुलिस के द्वारा लगातार ड्रग्स को लेकर, अफीम को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और उसी चेन में एक अलग सफलता प्राप्त हुई है। अभी पूछताछ करने पर ये खबर आई है कि लोकल ही बेच रहा था क्योंकि खेप काफ़ी बड़ा नहीं है, लेकिन और हम लोग कड़ाई से पूछताछ करेंगे ये जानने के लिए कि इसका सप्लाई कहीं बाहर तो नहीं होता किसी और जिला में या किसी और राज्य में। तो जैसे सूचना आएगी उस हिसाब से हम लोग। न्यूज विंग के लिए रांची से मुस्कान की रिपोर्ट। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।